जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने कॉपी कैसे लिखी है यहाँ पर, कि 70 में यहाँ पर इसके 68 नंबर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे यहाँ पर देखिए, जो खासकर क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरे A to Z बताऊँगा कि कैसे इस बच्चे ने कैसे कॉपी लिखी है कि इसको यहाँ पर 70 में 68 नंबर मिले हैं। और देखिए, OMR शीट है, इसको भी बताऊँगा कि कैसे इसने भरी है कि इसको पूरे मार्क मिले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, A to Z बताऊँगा, परिचय, निबंध, सारी चीजें बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, और हमारे पास ये वायरल पेपर है और इसी को इस बच्चे ने हल करा है। तो कैसे हल करा है, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा देख लेते, उसके बाद में OMR शीट बताऊंगा, उसके बाद में कॉपी में कैसे लिखना है और इस बच्चे ने कैसे लिखा है। जो टॉपर होते इसी प्रकार से लिखते हैं, तो आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, तो सारी चीजें बताऊंगा। तो देखिए, मॉडल पेपर यहाँ पर है, 2023-24 का है, कक्षा 10 है, हिंदी है। समय यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट होगा। 70 नंबर का पूर्णांक होगा और ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है। उसके बाद में यहाँ पर जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, खंड आ होगा, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 20 अंक के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप किसी भी क्लास में हैं तो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब आपको कॉपी लिखने का ढंग पता हो गया तो बहुत ही अच्छे मार्क ला सकते हैं आप, चाहे किसी भी बोर्ड से हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से एक ही ऑप्शन आपको फिल करना है। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में क्लास 10th में कुछ ऐसी ही OMR शीट मिलेगी। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फिल कर लेना है, जिला कोड, नाम, केंद्र कोड, उसके बाद में अनुक्रमांक, जो आपका रोल नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है। विषय कोड कोई भी, यहाँ पर हिंदी 901 हो सकता है, प्रश्न पत्र संख्या 801 DE हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आता है, देखिए ये 20 क्वेश्चन होंगे, आपको कैसे भरना है। देखिए, ये ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि जो OMR शीट होती है बार बार नहीं मिलती है, ये कोई नहीं बताता है। तो आपको देखिए, 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से जो भी आपको पता हो, एक को क्या करना, गोला करना है, सभी को गोला नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या करना है आपको, एक चारों विकल्पों में से जो भी हो, जैसे यहाँ पर हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो परीक्षा गुरु राइट आंसर का वाला, फिर या फिर ए वाला हो सकता है। तो पहला आपको क्या करना, काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है OMR शीट पर। तो इसी प्रकार से गोले को पूर्ण रूप से काला कर देना है, ठीक है। एक में एक ही करना है, डबल करोगे नंबर कट जाएंगे। और ये भी बताऊंगा, 2 नंबर कैसे इस बच्चे के कटे हैं। तो 20 क्वेश्चन ऐसे कर लेना। उसके बाद में हिंदी की प्रथम कहानी, तो इंदुमती सी वाला है, तो राइट आंसर देखिए सी वाला, इस प्रकार से गोला कर देना है। उसके बाद में निम्न में से कौन से शुक्ल युग की यहाँ पर पत्रिका है, तो यहाँ पर देखिए हंस पत्रिका है, राइट आंसर तीसरे का ए वाला हो जाएगा, इस प्रकार से गोला कर देना है। तो 20 क्वेश्चन ऐसे ही करना, एक में एक का ही गोला करना, डबल नहीं करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, आप हिंदी में किए होंगे तो हिंदी में करना, इंग्लिश में किए होंगे तो इंग्लिश में करना है। बाकी यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, वो आपको करवा लेना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पहला अक्षर, दूसरा अक्षर होता है, जो यहाँ पर DE लिखा होता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आपको काट पीट नहीं करना है, पूर्ण रूप से काला करना है, काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है। अब चलते हैं यहाँ पर, वर्णात्मक प्रश्न होंगे, जो आपको कॉपी में कैसे लिखना है। देखिए, ये वीडियो सभी लोग देख सकते हैं, आप किसी भी क्लास में हो, क्योंकि सेम यही प्रश्न तो ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपको उत्तर लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिए, खंड वा पूछा गया, वर्णात्मक प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर का करके एक ये आवा अथवा करके आया है और एक ये आया है, तो दोनों में से आपको एक ही करना है। तो यहाँ पर पहले वाला का इस बच्चे ने करा है, तो कैसे करना है। 3 क्वेश्चन है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, इस बच्चे ने लिखा है। तो क्या करना है, खंड बा ऐसे डाल देना, प्रश्नोत्तर नंबर पहले का था, तो का वाला ऐसे कर देना। कोई भी यहाँ पर देखिए प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा। और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए, पटरी से लाइन खींचना है इधर, और आपको इधर लाइन नहीं खींचना है, ध्यान रखना है, केवल आपको एक बार ही लाइन खींचना है। ये बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, लेकिन आपको एक बार ही लाइन खींचना है।
और देखिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी और चीज़ बता दूं, जो आपका फर्स्ट पेज होगा कॉपी का कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर 6 प्रविष्टियाँ आपको भरना होगा, पहला अनुक्रमांक अंकों में, फिर शब्दों में, फिर विषय जो भी हो, यहाँ पर हिंदी हो सकता है, प्रश्न पत्र तो केवल प्रश्न पत्र, अंकित संकेतांक ये वाला, दिन आपको भरना होगा, परीक्षा तिथि एवं पाली भरना होगा, केंद्र का नाम भरना होगा, ये सारी चीज़ें इसमें भरनी होती है। फर्स्ट पेज होता कुछ ऐसा ही होता है। बाकी आपको जब सेकेंड पेज खोलोगे ऐसे, तो आपको पटरी से लाइन खींचना है, इधर प्रश्नोत्तर नंबर खंड बा ऐसे डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर पहले का ऐसे कर देना है, फिर संकेत, संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के दो शब्द। इससे क्या होता है, एग्जामिनर भी समझ जाता है कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा, तो पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द तो ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में संदर्भ ऐसे रोमन अंकों में कर देना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा। पूरा वीडियो देखना, अभी जीवन परिचय भी बताऊंगा, निबंध भी बताऊंगा कि कैसे लिखना है, जो टॉपर होते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो आपको भी उसी प्रकार से लिखना है। तो ऐसे संदर्भ हेडिंग डालना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से संकलित है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये देखिए काले पेन से हो सके तो पाठ का नाम काले पेन से कर देना है। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहाँ पर ये रेखा खींची हुई है इसी की व्याख्या करना है, ये 2 लाइन की केवल व्याख्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसी की केवल व्याख्या करना है। तो ऐसे हेडिंग डाल देना है, बस आपको ऐसे व्याख्या कर देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना, ये गद्यांश का संदर्भ ऐसे ही लिखा जाता है। बाकी एक पूछा गया था मित्र का कर्तव्य, इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, उसी को यही मित्र का कर्तव्य बताया गया है। अब जैसे ये प्रश्न समाप्त हो जाए, प्रश्न नंबर 2 करोगे तो यहाँ पर लाइन खींच देना है, इससे क्या होगा एग्जामिनर को अच्छी तरीके से भी समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने ये दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है, तो इसी प्रकार से कर देना है। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 2 पूछा जाएगा, इस प्रकार से इसमें भी अथवा करके 2 आएंगे, इनमें से एक ही आपको करना है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है, यहाँ पर देखिए संदर्भ लिखना है, फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन होंगे, आपको तीनों हल करने हैं, ऐसे होंगे अथवा करके 2 आएंगे, जो भी आपको पता हो उसी का आंसर दे देना है, 2 अथवा करके आएंगे, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है, प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे 2 डाल देना है, संकेत जो भी करोगे, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इसमें देखिए गद्यांश और पद्यांश, संस्कृत खंड के गद्यांश और श्लोक में ही आपको संकेत डालना है, बाकी सभी में नहीं डालना, ये आपको ध्यान रखना है। हेडिंग डाल सकते हो, बाकी आपको नहीं करना। इसमें भी संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया, इसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। 2 रोमन अंकों में ऐसे कर देना, 3 जो भी हो ऐसे कर देना है, फिर से प्रश्न समाप्त हो जाए लाइन खींच देना है, 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर 6 नंबर, इसमें भी इसको मिल गए। फिर प्रश्न नंबर 3 पूछा जाता है, ये संस्कृत खंड से होता है और ये 5 नंबर का पूछा जाता है, इसमें भी आपको अनुवाद करना होगा। इस प्रकार से देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर का ये पूछा जाएगा, संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, इनमें भी 2 आएंगे अथवा करके आपको एक ही लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 आएंगे, इनमें से एक ही आपको करना है, इस प्रकार से तो कोई भी कर सकते हो, तो ऐसे आपको करना है। और इसी प्रकार से देखिए संस्कृत में जो संदर्भ होता है उसको कैसे लिखना है, देख लीजिए यहाँ पर देखिए संदर्भ ऐसे हेडिंग डाल लेना है, उसके बाद में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जो भी पाठ का नाम हो, यहाँ पर भारतीय संस्कृति नामक पाठ से क्या है संकलित है या फिर लिया गया, इस प्रकार से कर देना। अनुवाद जो भी हो अनुवाद हेडिंग डाल देना है, संस्कृत वाला है ये हिंदी में अनुवाद करना होता है, आपको अनुवाद कर देना है, 3 नंबर ये हो जाएंगे, 2 नंबर संस्कृत के, 5 नंबर आपके मिल जाएंगे संदर्भ के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार से पूछा जाता है, इसमें भी आपको श्लोक आता है, श्लोक भी आपको ऐसे संदर्भ लिखा जाता है, श्लोक वाला प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है, अनुवाद सभी सुखियों सभी रोग रहित हों, वे सभी कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी ना बने, 3 नंबर 2 3 5 इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना। और अब चलते हैं यहाँ पर देखिए खंड जो प्रश्न नंबर 5 पूछा जाएगा, ये क्या होगा खंड काव्य होता है, अपने अपने जिले वाइज होते हैं तो खंड काव्य भी आपको करना है। देखिए इस प्रकार से खंड काव्य बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको अपने जिले में जो भी हो वही खंड काव्य भी करना है, जो आप लोग क्लास 10th में हो या 12th में। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, जो भी आपके जिले में हो। जैसे हमारे जिले में जयसुभाष खंड काव्य है, हम हरदोई से हैं, तो यहाँ पर देखिए जयसुभाष खंड काव्य है, तो यही आपको करना है। जो आपके ज़िले में हो कमेंट करना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक ही करना है, 3 नंबर का ये पूछा जाता है, बहुत सारे लोग सभी कर देते हैं, सभी नहीं करना, केवल एक ही करना है जो आपके ज़िले में हो खंड काव्य, ठीक है। तो कम से कम इसको एक पेज में लिखना है, एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है तो चलेगा, ठीक है। 3 नंबर का ये पूछा जाता है,
तो ऐसे हेडिंग डालकर प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे डालकर जो भी अंगा करोगे, का वाला करोगे, खा वाला, जो भी हो आपके जिले में आता हो वही कर देना है, ऐसे लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में आता है यहाँ पर जीवन परिचय। अब इसको जीवन परिचय कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का होगा, 3 होंगे जीवन परिचय, 1 और 2 3, इनमें से तीनों में से एक ही जीवन परिचय करना होगा। तो ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 6 का डाल देना है, जो भी करोगे रोमन अंकों में ऐसे यहाँ पर कवि या लेखक का नाम डाल देना है, जीवन परिचय हेडिंग डालकर और इसी प्रकार से लिखना है। और जो जीवन परिचय लिखना है वो एक पेज में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, पूरे मार्क मिलेंगे। तो इसी प्रकार से और रचनाएं में आपको एक या दो या तीन इससे ज़्यादा रचनाएं भी नहीं लिखना है, कोई भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय, तो ऐसे ही आपको लिखना है और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, 5 नंबर आपको भी मिल जाएंगे। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर, देखिए प्रश्न नंबर जो 6 का खा वाला पूछा जाता है, और ये क्या पूछा जाता है, ये भी जीवन परिचय होगा, ये कवि के, इनमें भी 3 होंगे, इनमें से एक ही करना होगा, जो भी आपको पता हो। यहाँ पर देखिए तुलसी, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, 5 नंबर का पूछा जाएगा, और आपको 5 जीवन परिचय तैयार कर लेना, ठीक है, क्लास 10th में हो या 12th में, किसी भी क्लास में हो 5 जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। तो इसी प्रकार से इसको भी करना है, और इसमें भी आपको एक ही पेज लिखना है, उससे बड़ा नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है, हो सके तो जितनी हो सके अच्छी राइटिंग बना बना कर लिखना है, तो पूरे मार्क मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा जाता है, ये श्लोक पूछा जाता है जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसलिए आपको कम से कम 3 या 4 श्लोक तैयार कर लेना, 3 नंबर, ये 2 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा जाता है, ये क्या, अब ये देखिए क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। ये देखिए जो ये है पेपर, ये जो यहाँ पर कॉपी लिखी है बच्चे ने, ये यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपी लिखी है, तो जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी ये एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। पहले ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये संस्कृत खंड से होते हैं, 4 होते हैं, इनमें से 2 ही करने होते हैं। अब ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये अब यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर के होंगे, एक एक नंबर के होंगे अब, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पर आता है निबंध आखिरी में, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निबंध, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 4 या 5 निबंध होंगे, जो भी करना होगा, 7 नंबर का आप पूछा जाएगा, क्योंकि अब आपके पत्र लेखन भी ऐड कर दिया गया है, तो 7 नंबर का पूछा जाएगा, जो भी करोगे उसी को कर देना है। और ये आपको 80 से 120 वर्ड में लिखना है, तो कम से कम 1.5 पेज में आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर जो भी हो ऐसे डाल देना है, जो भी करोगे रोमन अंकों में ऐसे डाल देना है, काले पेन से हेडिंग, फिर रूपरेखा, फिर प्रस्तावना, इसी प्रकार से लिखना है। और जो निबंध लिखोगे कम से कम 1-1.5 पेज में आपको लिखना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, तो पूरे मार्क मिलेंगे। बाकी पत्र लेखन भी आता है, पत्र लेखन भी आपको लिखना होगा, क्लास 10th में जो हो यूपी बोर्ड से, तो पत्र लेखन भी आपको लिखने को आता है, तो इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे तो पूरे मार्क मिलेंगे। प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता है वो लिखने की कोशिश करना है, अदर और कुछ नहीं लिखना है। और जैसे ये नहीं कि अलग से लिख दिए तब नंबर नहीं मिलेंगे, प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता है वो लिखने की कोशिश करना, आधा प्रश्न आ रहा है तो उसको भी हल करके आना, कुछ ना कुछ मार्क मिल जाएंगे। बाकी फर्स्ट पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं, आपको गलत उत्तर करना है और अच्छी अच्छी राइटिंग में बनाकर लिखना है, और प्रश्नोत्तर संख्या जरूर ही डाल देना है, लाइन खींचना है, और जो भी प्रश्न करना है एक प्रश्न दूसरे प्रश्न के बीच में कम से कम 1 या 2 लाइन का गैप बनाकर लिखना है। इससे क्या होगा, जो आपकी कॉपी होगी वो भी अट्रैक्टिव दिखेगी, तो अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, जिससे आपको भी फुल मार्क मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट करना कि आप किस पर वीडियो चाहिए।